तो कैसे सभी, हाउ टू माइनक्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि अगर किसी को बिगनर है कोई माइनक्राफ्ट में, उसको खेलनी है कि तो क्या क्या करने की जरूरत पड़ती है, पूरी गाइडेंस मिलेगी शुरू में। ये वीडियो पहली वीडियो इतनी यूज़फुल होगी, पहली वीडियो मिस नहीं करनी है कोई, कर दो कर दो, पहली वीडियो मिस नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले तुम कहीं भी पैदा हुए तो तुम्हें काटने हैं तीन पेड़ के गठन, कह सकते हो तुम, ठीक। ये तुम्हारा के काम आएगा, मैं बना के दिखाऊंगा क्या काम आते हैं क्या नहीं आते। पहले तुम देख लो कौन सी बायो में आए हो तुम। गठन एक ही काम आता है, इससे बनती है ओक, ओक से बनती है स्टिक, और इससे एक और चीज़ और बनती है। सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से तुम कुछ भी बना सकते हो इस माइनक्राफ्ट में। मैं कह सकता हूँ कि क्राफ्टिंग टेबल तुम्हारे साथ इस गेम में मरते दम तक रहेगी, मतलब काम आएगी तुम्हारे। पहले मैं देख लूँ, मैं बायोज में पैदा हुआ हूँ पहाड़ की, चारों तरफ घूम के देख रहा हूँ मैं कि अगर कोई गांव हो आसपास तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। और देखो यार, यहाँ पे हमें पत्थर मिल गए हैं, पत्थर जरूरी है इसमें। तुम बना सकते हो वेपन इसमें, ठीक है। ये है पिकैक्स, पिकैक्स यूज़ होती है जो सोने की चीज़, जैसे पत्थर, चांदी, सोना, उन सबको तोड़ने में यूज़ होती है, माइनिंग में यूज़ होती है, ठीक। अभी हमारे पास लकड़ी का हथियार है, वुड एज कह सकते हो। अभी स्टोन एज चल रही है तो हम अब बनाएंगे पत्थर के हथियार, पत्थर के हथियार, आयरन के हथियार और इसके में वुडन के हथियार में फ़र्क इतना ही है कि जो इनकी अटैकिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा से जैसे तुम मटेरियल चेंज करते हो वैसे, ठीक है। अब देखो पत्थर की बतानी है हमने पिकैक्स, तो इससे जल्दी हो रही है माइनिंग। और हमने बनानी है एक फर्नेस, फर्नेस है पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो इसके फर्नेस के थ्रू भाई हम रॉ मटेरियल को पिघला के कच्चा सोना या आयरन निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास ना रॉ मटेरियल है ना कुछ है, ना कोयला है आग जलाने के लिए, तो अभी कुछ नहीं होगा। ये जो पिकैक्स है भाई, ये घास में काम करेगी पर इतनी तेज़ी से नहीं करेगी, क्योंकि घास काटने के लिए या कह लो मिट्टी हटाने के लिए शेवल है इसमें, फावड़ा जिसे कहते हैं अभी इंडिया में, ठीक है। फावड़ा भी है इसमें, मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है मेरे को। जब नहीं ज़रूरत है तो हम फावड़ा भी बना देंगे भाई साहब, ठीक है। इन सब की रेसिपी तुम देख सकते हो, जब तुम ओपन करोगे चेस्ट यहाँ पर तुम्हें हरी बुक दिखेगी, ठीक है। हरी बुक पे क्लिक करके तुम रेसिपी देख सकते हो और वो बना सकते हो जो तुम्हें बनाना है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो तो कमेंट कर दो हाँ भाई समझ आ रही है तुम्हारी बात सारी। आगे हम मैं देख रहा हूँ कोई गांव गूँ हो आसपास, तो क्योंकि हमें चाहिए गांव, गांव मिंजे आयरन मिंजे। ये है गायें, गायें को तुम खा भी सकते हो, मैं नहीं खाता भाई गायें गूँ तो मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। इसका दूध भी पी सकते हो तुम, उसके लिए हमें ओ मिल गया गाँव, मिल गया विलेज फाउंड इट, ठीक है। गाँव भाई इतनी जल्दी मिल गया मुझे, ये सेकंड टाइम, मतलब सेकंड टाइम में मुझे जल्दी गांव मिल गया, और फास्टेस्ट अगर मैं रखूँ तो सेकंड टाइम में सेकंड बार में है, ठीक है। मतलब सेकंड देर लगी है मुझे इसमें मिलने में, इससे पहले भी मुझे गांव मिला था, वो मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, उसके बाद गांव के आसपास ही पैदा हुआ था। गांव में जाना है तुम्हें, ठीक है। ये संदूक से रखा हुआ है, ये संदूक में जो भी चीज़ तुम्हें लग रही है भाई यूज़फुल है वो चक दो। घास को ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, ना बीज होते हैं, क्योंकि ये तुम्हें मिल जाते हैं आराम से। पर जो है ब्रेड वगैरह है ये तुम खा सकते हो, और अपनी एनर्जी है बरकरार रख सकते हो। भेड़ भी है यहाँ पे तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। इनका बेड जरूरी होता है वैसे, मैं चोरी चारी नहीं करता वैसे, गेम है वैसे, फिर भी मेरा मन नहीं करता भाई सब करने का। ये तुम्हें बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि ये है भाई वेपन को रिपेयर करने में। जैसे तुम देख रहे हो हमारे जो वेपन है उनके नीचे हरी बत्ती जल रही है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगी वेपन एक टाइम के बाद, पर तुम्हें दोबारा बनाने पड़ेंगे। पर जब तुम डायमंड के बनाओगे भैया, डायमंड के बनाने के बाद और उसमें जब तुम मैजिकल पावर लगाओगे तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी रिपेयर की, क्योंकि उसमें टाइम लगता है भैया बहुत सारा। ये है आयरन गोलम, इसको मार के तुम आयरन ले सकते हो और आयरन के हथियार बना सकते हो, ठीक है। आयरन गोलम मैं ये बना दूँ, जरा शैवन इसे कहते हैं, फावड़ा ये बना है, फावड़ा मिट्टी वो करता है, और जो हमने चेस्ट करी है रिमूव वो करी है हमने एक्स से, क्योंकि एक्स भाई यूज़ होती है
पेड़ को काटने में या वुडन की चीज़ को काटने में कह दो, उसमें ज़्यादा तेज़ होती है। एक्स एक्स मैं एज अ वेपन भी यूज़ करता हूँ क्योंकि सवोर्ड का डैमेज भाई कम है कंपैरिजन टू एक्स, पर स्पीड सवोर्ड की ज़्यादा होती है ये मानता हूँ मैं, बट फिर भी मैं एक्स यूज़ करता हूँ एज अ वेपन। और यहाँ पे भैया हमें मिल गया मैप बना बनाया। पेपर तुम बना सकते हो भाई गन्ने से, ठीक है, स्टिक तुम बना सकते हो ओक से जो साइड में पड़ी है उसकी, ठीक है। और मैप बनाने के लिए भाई तुम्हें चाहिए होता है पेपर और कंपस चाहिए होता है, कंपस के लिए तुम्हें चाहिए होती है रेडस्टोन, तो इसलिए भाई हमारा काम बहुत सारा बच गया यहाँ पे एक तो। और ये है क्राफ्टिंग टेबल, इस पे रख के तुम मैप कर सकते हो एडजस्ट, दिखाता हूँ। जैसे तुम मैप अपने हाथ में लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा मैप, इसको छोटा कर सकते हो तुम 4 बार तक कर सकते हो छोटा, ठीक है। तुम्हें मैप नहीं रखना है, एम्प्टी मैप नहीं रखना है, एम्प्टी मैप रखोगे तो डुप्लीकेट मैप बन जाएगा, ठीक। पर तुम्हें रखना है पेपर, पेपर रखोगे तो पेपर ऐड होता जाएगा और मैप छोटा होता जाएगा, मतलब ज़्यादा एरिया कवर करेगा एक ही पेज में, ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक है। ये मत सोचना भाई मैप छोटा होगा, मैप छोटा होगा, ना ना मैप छोटा नहीं हुआ, मैप के अंदर की जगह बड़ी होगी ये समझो तुम, ठीक है। ऐसे मैप हमेशा ऐसे रहेगा, नॉर्थ ऊपर रहेगा हमेशा, साउथ उसके साथ में, और वेस्ट और ईस्ट तुम देख सकते हो ऐसे है। वेस्ट और ईस्ट को तुम जा सकते हो वी आर, जैसे कहते हैं ना वी आर कपन्स या वी आर गेमर्स ऐसे कहते हो, तो वी के फॉर्म में तुम याद कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ हमेशा सामने रहेगा मैप में, मैप में सामने रहेगा, नीचे रहेगा साउथ, मैप में कह रहा हूँ, तुम क्या हमारे देख लो, वो तुम्हारा जो एरो बना हुआ है मैप में वो दिखाएगा, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि भाई मैप जो है वो भरा कैसे जाता है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने हाथ में मैप लेना है और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है ऐसे, ठीक है। साइड से गलू करना है, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, पहले साइड जाता हूँ चारों तरफ, फिर ऊपर नीचे जाता रहता हूँ ऐसे ही, जल्दी हो जाता है, ठीक है। ऐसे जाना तुम्हें, और तुम्हें जो चीज़ें मिलेगी भाई अगर यहाँ पे कोई काम की चीज़ मिल रही है तो उठा लो। और ये रहे भाई हमारे पास वूंद आ गई है तो उससे हम बना लेते हैं बेड अपना, ठीक है। तुम भेड़ को मार के भी उनसे ऊन ले सकते हो, पर मैं मारता नहीं हूँ जानवरों को वैसे, पर जब जरूरत पड़ेगी तो मार भी दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। गेम में जरूरत पड़ेगी तो मार भी दूंगा, वैसे मारा नहीं मैंने अभी तक किसी को। सूअर को मार के भी खा सकते हो तुम, पका के भी खा सकते हो। यहाँ पे हमें मिल गई है भैया कोइन, इसे कहते हैं कोयला, ठीक है। जल्दी से हम सारा कोयला माइन कर लेते हैं। अब देखो यार इसमें ज़रूरी क्या है माइनिंग करने की हमें, क्योंकि अभी माइनिंग एज अ बिगिनर में बता रहा हूँ, अदरवाइज़ हम फ्यूचर में फार्म बनाएंगे तो माइनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। और नीचे डायवन दप हो रहा है तुम्हारा उससे, वो भी ठीक है, ग्रीन में दिख रहा है नीचे आ रहा है वो सब। अब भाई रात हो गई है, जल्दी से जगह देख के सो जाओ, थोड़े से कोई भी नहीं है वो दे दो, और अब हम सो जाएंगे क्योंकि रात को ज़ोंबी आ जाते हैं भाई, उनसे लड़ना दौड़ना मत मारना, टाइम वेस्ट है, वैसे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है उनसे लड़ने की, अभी लड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं वैसे, क्योंकि हमारे पास इतने हथियार भी नहीं, और अभी हम मैं लड़ना भी नहीं है साफ सी बात कहूँ तो। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, सीधा जाने के लिए हमें नाव बनानी है, नाव बनाने की रेसिपी तुम्हारे सामने आ गई है, तुम बना सकते हो नाव और चला सकते हो जैसे मर्जी, ठीक है। नाव चलाते हुए भैया तुम्हें एंकर जो है, ठीक है, उसका यूज़ नहीं करना है, अगर तुम खेल रहे हो कंप्यूटर से माउस का यूज़ नहीं करना है, एरो का यूज़ करो वहाँ से हो जाएगा। और रही माइनक्राफ्ट की बात, तो यहाँ पे भाई तुम्हें पानी के अंदर समुंदर के अंदर भी एडवेंचर मिलता है, जैसे देख रहे हो ज़ोंबी मिल रहे हैं तुम्हें, खजाना भी होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ये रहा भाई, ठीक है, चेस्ट मिल गई है, इसमें हमें कोयला मिला है, और एक मिला है ट्रेजर मैप मिल गया भाई, इसको हम करेंगे कई किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एक्स मिला है स्टोन का, और हमें मिली है गेहूँ, गेहूँ से तुम बना सकते हो ब्रेड, गेहूँ यूज़ कर सकते हो तुम और भी कामों में, जैसे कि गाय को और भेड़ को अपने फार्म में लेके आने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। और मैंने पूरा ये छान मार रहा भैया, यहाँ पे सिर्फ एक चेस्ट ही, एक चेस्ट होते हैं मिनिमम, और ज़्यादा भी कई बार दो भी होते हैं चेस्ट, ठीक है। मैंने देख लिया यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं है, और ये दो नंगूर और आ गए हैं, इनको मार देते हैं हम डायरेक्ट डायरेक्ट, चलो मर गए भैया ये दोनों भी, तीसरा भी आ गया था वो भी मर गया। और मैं फिर अपने काम पे निकल जाता हूँ यहाँ पे, कि कहीं कोई और चेस्ट भी तो नहीं है, क्योंकि मैं हूँ एक नंबर का दांची बंदा भैया, R7 गेमर गेमिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं जिन्होंने नहीं करा, वीडियो पसंद आ रही हो तो, ठीक है। ये मिलेंगे तुम्हें, मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, तुम अगर फैशनेबल हो सवोर्ड यूज़ कर सकते हो,
पर उसका डैमेज पावर कम है भैया, देख सकते हो तुम। जब तुम उस पर क्लिक करोगे या एरो लेके जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे उस वेपन का डैमेज और वो दिख देगा, और इसके साथ हम मर गए हैं पानी में दब के। और हम भाई वहीं पे आए हैं जहाँ से हमने शुरू करा था, क्योंकि जहाँ पे तुम सोते हो भाई वही तुम्हारा लास्ट पॉइंट बनता है जिंदा होने का मरने के बाद, ठीक है। तो बेड हमने उठा लिया था, इस करके हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं दोबारा वहीं जाता हूँ अपने मैप में देख के, यहाँ गाँव पहुँच गए हम। एक आयरन गोलम बोर मिल गया, चलो भैया इसको भी मार के हम थोड़ा वो ले लेते हैं। एक्स ख़त्म होगी हमारी, अब बनाते हैं हम आयरन की एक्स। आयरन की एक्स का डैमेज ज़्यादा है इससे। इसके बाद नेक्स्ट नेवन जो होता है वो होता है डायमंड का। डायमंड के बाद आता है नीदरलैंड का जो मटेरियल है उससे बनाते हैं हम वेपन वगैरह, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आई थिंक। नीदरलैंड में जाने के लिए हम जाएंगे, कभी और जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें गेट ओपन करना पड़ता है दूसरी दुनिया का, उसके लिए हमें डायमंड चाहिए पहले। बिना डायमंड के भी हो जाता है, पर अभी तुम बिगनर हो तो वो उतना नहीं है, ठीक है। अब हम वहीं जा रहे दोबारा जहाँ पे हमने छोड़ा था, ताकि हम मैप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। और यहाँ पे जाते रह रहे हम सीधा 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 नाव निकाल दो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और देखो भी राइट साइड में है वो है पोर्टन, पर अभी पूरा नहीं है वही वो, क्योंकि पोर्टन तब पूरा था जब वो उसमें एक तो जगह हो खड़े होने की दो जनों की, समझ रहे हो, और वो चारों तरफ से बंद हो। और यहाँ पे भी हमें चेस्ट मिलती है इसके आसपास भी, वो लेनी है मैंने भैया, सब कुछ उठा लिया है जितना भी लूट मार कर सकता था वो। और अब मिल गई हमें एक नाव भाई साहब, ये तो एडवेंचर हो गया पूरा। ये तुम्हें देखनी पड़ेगी भाई जब तुम नाव चला रहे होंगे, या पानी के अंदर होती है ये, कई बार बर्फ़ में मिल जाती है। यहाँ पे कोई ट्रैवल मैप मिल गया हमें और कागज़ मिले हैं यूज़फुल। यहाँ पे तुम्हें दो चेस्ट मिलेगी और उसके अंदर ट्रेजर मिलेगा तुम्हें। तो भैया आयरन का यहाँ काम हो गया, इतना कुछ कर लिया भैया आज हमने पहले दिन ही। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। R7 गेमिंग यूट्यूब।